हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो देखने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दें। आज हम बात करेंगे ओट्स के बारे में। ओट्स हमारे स्किन के लिए कितना यूज़फुल है और ओट्स से हम कौन कौन से मास्क बना सकते हैं ऑयली स्किन के लिए, ड्राई स्किन के लिए और कम्बिनेशन स्किन के लिए। आज की वीडियो में आप मास्क देखेंगे। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ऑयली स्किन के लिए ओट्स का मास्क बनाने के लिए सबसे पहले आपको 1 टेबल स्पून ओट्स का पाउडर चाहिए, फिर 1 टेबल स्पून मुल्तानी मिट्टी चाहिए। उसके बाद आपने 1 टेबल स्पून नीम का पाउडर डालना है। और लास्ट में आपने पोटैटो जूस डालना है, यानी आलू का रस। आलू का रस आपने उतना डालना है जितना आप पेस्ट बना सके। इसको पेस्ट बना के फिर आपने फेस पे लगाना है। लगाने से पहले आपका फेस क्लीन होना चाहिए। फेस पर आपने ये मास्क 15 मिनट लगाना है। जब ड्राई हो जाए तो नॉर्मल वाटर से वॉश कर लें। इसमें हमने ओट मिल्क को इस्तेमाल किया है, जो कि बेस्ट अब्सॉर्बेंट है, जो कि आपके सीबम को कंट्रोल करता है, आपकी कम्प्लेक्शन को स्मूथ बनाता है, स्किन को ब्राइट करता है, मैट लुकिंग करता है, आपकी स्किन से एक्स्ट्रा ऑयल को एब्जॉर्ब करता है। पोटैटो जूस आपके फेस को क्लींस करता है, आपके पिंपल्स को ख़त्म करता है। पोटैटो जूस क्लींजर के तौर पे इस्तेमाल होता है, जो कि आपके फेस से डार्क स्पॉट्स को ख़त्म करता है, स्किन की इम्प्योरिटीज़ को ख़त्म करता है और जो ऑयली स्किन के लिए बहुत बेस्ट है। नीम के अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो कि आपकी स्किन को स्मूथ और फ्रेश बनाते हैं, ग्लोइंग बनाते हैं, आपकी स्किन से पिंपल्स और दानों के निशान ख़त्म करते हैं। नीम का पाउडर आपके फेस से एक्स्ट्रा ऑयल को ख़त्म करता है, जो कि आपके फेस से सीबम को कंट्रोल करता है। मुल्तानी मिट्टी ऑयली स्किन के लिए बहुत बेस्ट है। ये नेचुरल क्ले है जिसमें नेचुरल मिनरल्स होते हैं, जिंक, सिलिका ऑक्साइड्स, आयरन, मैग्नीशियम। ये ऑयल को एब्जॉर्ब करता है, आपके फेस से एक्स्ट्रा डर्ट, इम्प्योरिटीज़ को ख़त्म करती है फेस से, और इससे आपकी स्किन स्मूथ हो जाती है। तो ये ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट मास्क है, जो कि आपके फेस से एक्स्ट्रा ऑयल को एब्जॉर्ब करता है, एक्स्ट्रा ऑयल, इम्प्योरिटीज़ और डस्ट को ख़त्म करता है, क्योंकि इसमें ऐसी चीज़ें ऐड की गई हैं जो कि मिलकर बहुत एक्सेलेंट रिजल्ट देंगी आपको। अब मैं आपको बताऊंगी ओट्स का मास्क जो कि ड्राई स्किन के लिए बेस्ट होगा। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए होंगी, 3 टीस्पून ओट्स पाउडर चाहिए होगा, 1 टीस्पून योगर्ट चाहिए होगी यानी दही, और थोड़ा सा आलू का जूस चाहिए होगा इसको पेस्ट बनाने के लिए। आपने इसी तरह इन चीज़ों को मिक्स करके फेस पर लगाना है। 15 मिनट तक आपने फेस पर लगा रहने देना, उसके बाद नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है। ओट्स जो है ड्राई स्किन वालों के लिए बेस्ट वर्क करता है। ओट्स जो है आपकी डेड स्किन सेल्स को ख़त्म करता है, नेचुरल मॉइस्चराइजर के तौर पर काम करता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, जो कि स्किन को एक्सफोलिएट करती हैं। ओट्स का पाउडर आपके फेस की पीएच को बैलेंस करता है, आपके फेस को कूल डाउन करता है, आपके इन्फ्लेम्ड स्किन को ठीक करता है, आपके रैशेज और इन्फेक्शन को ख़त्म करता है। इसमें जो हमने योगर्ट ऐड की है वो एक्सलेंट सोर्स है कैल्शियम का, प्रोटीन का, वेरियस एसेंशियल विटामिंस का। लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है योगर्ट के अंदर, जो कि हेल्प करता है आपके डेड सेल्स को ख़त्म करने में, जो कि आपके रिंकल्स को ख़त्म करता है, आपके एजिंग के साइंस को ख़त्म करता है। और योगर्ट आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करती है, आपकी स्किन को सॉफ्ट और सपल बनाती है, स्मूथ बनाती है। पोटैटो जूस हाइपर पिगमेंटेशन को ख़त्म करता है, आपकी स्वेलिंग को रिड्यूस करता है, आपकी ड्राई स्किन सेल्स को एक्सफोलिएट करता है। पोटैटो जूस के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपकी स्किन को ब्राइट करता है, आपकी स्किन को ग्लो करता है और आपकी स्किन को क्लींस भी करता है। अब हम मास्क बनाएंगे ओट्स का कम्बिनेशन स्किन के लिए। इसके लिए आपको 1 टेबल स्पून बेसन चाहिए, 3 टीस्पून ओट्स का पाउडर चाहिए। आपने इसमें आलू का रस इतना डालना है कि पेस्ट बन जाए, फिर आपने फेस पे लगा लेना है। 15 मिनट तक आपने लगाए रखना है, उसके बाद फेस को वॉश कर लें नॉर्मल वाटर से।
इसमें हमने पटाटा जूस को ऐड किया है जो कि एक्सेलेंट वर्क करता है स्किन की लाइटिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए। इसके अंदर ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि मेलानिन पिगमेंट को ख़त्म करती है, आपकी स्किन की हाइपर पिगमेंटेशन को ख़त्म करता है, रिड्यूस करता है, आपकी स्किन टोन को लाइट करता है, ब्राइटन करता है, फेयर करता है और स्मूथ करता है। हमने बेसन को ऐड किया है जो कि आपकी स्किन को फेयर करता है, ब्राइट करता है, स्मूथ करता है, आपके फेस से इम्प्योरिटीज़ को ख़त्म करता है, डर्ट को ख़त्म करता है, आपकी स्किन को स्मूथ और क्लीन बनाता है, आपकी फेस टैनिंग को ख़त्म करता है और आपकी स्किन को स्मूथ और ब्यूटीफुल बनाता है। तो ये तीनों मास्क थे ऑयली स्किन के लिए, ड्राई स्किन के लिए और कम्बिनेशन स्किन के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें और आप कमेंट में बता सकते हैं कि इन किन टॉपिक्स में मैं और वीडियो बनाऊं जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहे। इंस्टा में भी फॉलो करें। थैंक यू।